क्या कहना चाहेंगे? एक क्या हुआ है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था, जोड़ी काफी दिनों के बाद नजर आएगी पर्दे पे। सर 25 साल के बाद सर, और आप लोगों को याद है गोविंदा जी को पहलाज जी इस इंडस्ट्री में लेके आए, और 25 साल के बाद इतनी बड़ी फिल्म बनाई उनके साथ वापस, और लकीली मैं भी हूँ फिल्म में, और मेरी और गोविंदा जी की जोड़ी भी अच्छी है, हमारी टाइमिंग अच्छी है। एंड मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये फिल्म मैंने देखी, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, और हमारे डायरेक्टर सिकंदर जी हैं, सिकंदर खन्ना, सिकंदर हाँ, तो और दो नई लड़कियाँ इंट्रोड्यूस की हैं, और आप जानते हैं कि इन्होंने किस किस को इंट्रोड्यूस किया है, गोविंदा जी को किया है, चंकी को किया है, नीलम जी को किया है, इवन दिव्या जी को किया है, और इवन गोविंद नामदेव को किया है, और मुझे री इंट्रोड्यूस कर रहे थे एज ए हीरो, बट नो प्रॉब्लम, अच्छा है, मैं नहीं बना। हाँ सर, आपकी और गोविंदा सर की जो जोड़ी है हमेशा कमाल की थी पर्दे पर, राजा बाबू हो या और भी कोई फिल्म हो, क्या कहना चाहेंगे कि वो मैजिकल चीज़ इस फिल्म में भी देखनी? सर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा मैजिकल इस फिल्म में है, क्योंकि हम खुद करते करते हंस हंस के गिर जाते थे, खुद करते करते गोविंदा जी को हंसाना बहुत मुश्किल है, आई मीन वो सबको हंसाते हैं लेकिन शॉट में हंसाना बड़ा मुश्किल, वो हंसते हंसते सब हंसते हंसते, तो आई बिलीव दिस इज़ अ अमेजिंग फिल्म एंड आई प्रे टू गॉड दैट इट शुड डू गुड फॉर एवरीवन। आपकी कल एक और सेंसेशनल फिल्म जर्नी ऑफ फर्मा भी आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो कल आ रही है, वो एक डिफरेंट फिल्म है, और आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट, बट इधर मैं इस फिल्म के लिए आया हूँ तो अच्छा नहीं लगता, मैंने उस फिल्म में काफ़ी प्रमोशन की है, एंड गॉड ब्लेस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, वेरी नाइस फिल्म, एंड इट्स गॉट अ गुड कंटेंट इन द फिल्म, सो गॉड ब्लेस बोथ द फिल्म्स। सर मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम यहाँ पे अभी अच्छी बातें पहलाज नहलानी जी के फिल्म के बारे में कर रहे हैं, ये टॉपिक चलता रहे। हाँ दिवाली की, दीपावली की, दिवाली की सबको शक्ति कपूर के और उनके परिवार की तरफ से शुभ शुभ कामनाएं, सारी दुनिया जानती है ना मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, सबको शरीफ शरीफ आदमी की शुभ शुभ कामनाएं। थैंक यू। आपके पहलाज नहलानी सर की जो जोड़ी है पिछले 25 साल से ज़्यादा मतलब मैजिकल फिल्म्स दी, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में कि वही मैजिक देखने को मिलेगा दर्शकों को? ज़्यादा हो गया, 29-30 साल हो गए, 1986 के मैंने की थी पहली फिल्म, और फिर पहलाज जी से साथ झूठा इल्ज़ाम के साथ सुपरहिट फिल्मों का जो दौर शुरू हुआ वो कभी थमा ही नहीं, एंड मेरा ये सोचना है कि अभी तक तो फ्लॉप नहीं आई है कभी फिल्म में, और झूठा इल्ज़ाम, फिर शोला शबनम, देन आँखें, और अब रंगीला राजा, एंड आई फील दैट मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे तारीफ करूँ। I always feel like as I have started a new जैसे न्यू कमर्स कैसे काम करते हैं वैसे शुरुआत फिर हुई, और बहुत से ऐसी सरप्राइज जो पहले कभी नहीं देखे गए हों मेरी फिल्मों में ख़ास तौर पे, और साथ में पक्का गोविंदा छाप सिनेमा है, वो तो है ही है, थ्रू आउट कॉमेडी एंड डांस गाना सब चलता रहता है, उसके बावजूद मुझे ये जो फिल्म जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे घर परिवार के लोगों के दिलों को छुएगी, क्योंकि हर घर परिवार में ऐसे रंगीला राजा होते हैं और उन्हें उसे झेलना भी पड़ता है, एंड हंसते हंसते ऐसा मैसेज दिया है इस फिल्म में प्रहलाद जी ने कि जो हर घर परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अच्छे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वाकई वो अच्छे हैं, तो उसे संभालें जिससे हाथ से कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो गई है, और जो मिस्टेक किया है ज़रूरी नहीं है कि वो विलन हो या रॉन्ग हो या गलत हो, वो हीरो निकलता है, क्योंकि हम हर व्यक्ति के अंदर कहीं तो उसमें वो होता है, रंगीला राजा होता है, हीरो होता है, और वो कहीं बाहर निकलता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी जो है वो बेरंग ना हो और रंगीन हो, तो वैसी रंगीन हो के लगे कि हाँ वाकई अच्छा लग रहा है, पूरे घर परिवार में अच्छा लग रहा है, तो वो मुझे ये थॉट बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर पे लेडीज़ जो है मुझे लगता है और यंगस्टर्स उन्हें ये फिल्म जो है ये बहुत छुएगी ऐसा मुझे लगता है। आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू पहलाज जी
कि जिस वक्त फिर मैं मेरे पास ज़्यादा फिल्में नहीं थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्राइडे ये साइन की हुई थी और ये शुरू हो गई, तो बहुत साल पहले जैसे लव 86 और उसके लव 86 रिलीज़ होते ही झूठा इल्ज़ाम लगी थी, सेम ऐसा ही हुआ है, वही समय है और फ्राइडे रिलीज़ हुई है, आप लोगों ने बहुत देखी होगी, बहुत पसंद की सभी ने, और अब राजा रंगीला आ रही है एंड आई फील कि ये हम दोनों की जो 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 ये हिट की ये जो सक्सेस रही है, ये जुड़ी रही है, उससे आगे निकलेगी ये फिल्म। इसमें गोविंदा सर के अलग अलग रूप हमें देखने के लिए मिले हैं, जो नॉर्मली पुराने पिक्चर्स में 90s के 2000 पिक्चर्स में होता था, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको भैया? रूप जब फिल्म जब बनती है तब नहीं होती है, किसी रूप में जो है फिल्में जो है पुरानी थी वही चलती थी, जो नहीं आई है उसकी बत्ती गुल हो जाती है, तो हमेशा जो है ना जो स्क्रिप्ट होती है जो डिमांड होती है स्क्रिप्ट की उसी हिसाब से होती है, ये नहीं है कि डबल रोल उस ज़माने में आता था डबल रोल की, अभी जुड़वा आई तो आपको वो क्या नया लगा आपको उसमें, या नहीं नहीं आप अब अर्जुन कपूर की एक फिल्म आई उसमें क्या नया था, वो भी फिर 90 में गिना जाएगा, क्योंकि 90 से लेके मैंने गोविंदा के 86 से लेके गोविंदा के साथ मैंने जो दिखाया उसमें, जिसमें गोविंदा उस ज़माने में भी उतनी एनर्जी थी, और मेरा दिखाने का मकसद वही था कि 86 से लेके आज तक 33 साल हम लोगों के रिलेशन में हुआ है वो एनर्जी, आई एम स्ट्रीट डांसर हो या अउवा हो या लाल दुपट्टे वाली हो, तो उसके अंदर जो एनर्जी थी रंगीला राजा में जो आप टाइटल ट्रैक आज देख रहे हो आप, उसमें एनर्जी उनसे ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा स्टेप अलग है, तो मुझे लगता है कि वर्सेटाइल जो आज के डेट में जो एक्टर्स जो है ना ये डांस करते दिखाई देते हैं आपको, बहुत सारे डांसर है जो सो कॉल्ड डांसर जो पहले नहीं थे लेकिन आज करते करते बन गए, लेकिन गोविंदा तो वर्सेटाइल है और उन्होंने मतलब जो है जो डांस है जो भी इसको स्टेप दे दो इन 1 सेकेंड ही इज़ रेडी विद द फॉर शॉट, तो गोविंदा ने ये जो टाइटल ट्रैक जो है रंगीला राजा का किया जो आप विटनेस हो देखते हुए, तो आप देखिए और जनता आज का यूथ जो है 90 के गोविंदा आज गाने रेट्रो सॉन्ग जो है आप 92.7 में देखते हैं जिसके साथ मैं पार्टनर हूँ, तो उसके अंदर सिर्फ वही गाने बजते हैं, आर डी बर्मन के वही सुनते हैं, आज के यूथ को भी पुराने गाने ही पसंद है, ओल्ड इज़ गोल्ड जब बोला जाता है तो ओल्ड और गोल्ड में जो है गोविंदा पैदा ही उस ज़माने में हुआ था, तो आज तक स्टील जो है बन के काम कर रहा है, तो आज ये नई नई लड़कियों के साथ काम कर रहा है वो एकदम फिट हो रही हैं, आई थिंक इनका नसीब और मेरे नसीब जो गोविंदा के साथ जुड़ा हुआ है हमेशा नई लड़कियों के लिए वो वरदान बन के आता है, तो मुझे लगता है ये वरदान जो है फिर से एक बार ये होगा। पहले गोविंदा सर पर काफ़ी आरोप लगाया जाता था कि वो लेट आते हैं, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को तकलीफ देते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, कितने चेंजेस लग रहे हैं अभी आपको? तकलीफ वो बदन में कोई तकलीफ हो तो दवा खाओ तो निकल जाती है तो गोविंदा ने बहुत सारी दवाइयां खा ली है, जो प्रोड्यूसरों को तकलीफ देता था उस दवाइयों को जो है उसने ख़त्म कर दिया ताकि प्रोड्यूसर को कंप्लेंट ही ना हो, वो तो चुस्त फुर्त और मतलब टाइम पे आने वाला, क्योंकि वो कर्म अपना कौन था कुंभकर्ण जो कुंभकर्ण का चोला उतार के फेंक दिया रंगीला राजा का पहना है उसने। अच्छा,